तो गाइज यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार रेडियो के बारे में बता रहा हूँ। देखो, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे आपको खेलना कैसे है और किस तरीके से इस वेबसाइट पे मतलब आपको पूरा फायदा उठाना है, किस तरीके से एक बार इन्वेस्ट करके आपको लाइफ टाइम यहाँ पर अर्निंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जिसने भी साइन अप नहीं किया है रेडियो पे, आपको साइन अप कर लेना है। इसके साइन अप लिंक दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, कोई ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, साइन अप कर लेना, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, वो सब कर लोगे, आपके वॉलेट में तुरंत के तुरंत ही $20 जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। $20 का मतलब हो गया लगभग 1600 रुपये। ठीक है, अब मेरे वॉलेट में भी ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन मेरे वॉलेट में आपको दिख पा रहा होगा कि $0 अभी पड़े हैं, क्योंकि मैं सारे के सारे यूज कर चुका हूँ, मैंने वेट ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये जो वेबसाइट है ना, ये बहुत काम की है। जैसे कि मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास $20 आए थे, फिर मैंने तुरंत उनको यूज कर दिए। और यहाँ पर दोस्तों बोनस का यही फायदा है कि ऐसा नहीं है कि 5% या 10% की आप यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर कार्ड खरीदोगे तो आपको 50% यूज होगा, मतलब कि आपको सिर्फ आधा पैसा देना पड़ेगा। फिर दोस्तों मैंने ये कुछ कार्ड खरीदे, फिर मैंने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, उसमें $14 में जीत गया आसानी से, है ना। आप खुद सोचो, $14 का मतलब हो गया लगभग 1000 से भी ज्यादा रुपये, 1000-1200 रुपये, है ना। वो मैं जीत गया, फिर मैं इनको विड्रॉल कर सकता था, लेकिन मैंने विड्रॉल नहीं किया। मैंने सोचा कि यार ये शानदार चीज़ है, यहाँ पर कार्ड खरीदते हैं, तो मैंने और कार्ड यहाँ पर खरीद डाले। ठीक है, अगर आपको कार्ड देखने हैं कि कौन कौन से कार्ड मेरे पास पड़े हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो, आप जैसे यहाँ पर आ जाओगे, सबसे पहला काम आपको करना होता है कि पैक्स खरीदने होते हैं। ठीक है, कार्ड खरीदने होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पैक्स पर क्लिक करना है। ठीक है, पैक्स पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये जो कार्ड यहाँ पर हो रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो इंडिया साउथ अफ्रीका के जो सारे कार्ड हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि आप ये $4 वाला खरीद सकते हो, उससे बड़ा $11 वाला, $7 वाला, $250 वाला। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोस्तों $4 वाले में ब्रॉन्ज कार्ड निकलते हैं, फिर इसमें सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड और यहाँ पे ब्लैक कार्ड भी निकलते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना वॉलेट दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने कौन कौन से कार्ड खरीदे हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जितने भी कार्ड खरीदे हैं वो आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने इंग्लैंड के जैसे लियम लिविंगस्टन का मेरे पास सिल्वर कार्ड पड़ा है। ठीक है, लियम लिविंगस्टन का ब्रॉन्ज कार्ड भी मेरे पास पड़ा है। यहाँ पर मार्कस टोनिस का मेरे पास कार्ड पड़ा है, जो सेजलवुड, बाबर एजाम, हर्षदीप सिंह। ठीक है, तो बहुत सारे कार्ड पड़े हैं, टोटल मेरे पास अभी 24 कार्ड पड़े हैं, और मैं यहाँ पर और भी खरीदूंगा। ठीक है, अब दोस्तों इन कार्ड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों D3.club आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है, साइन इन करना है अपने नंबर से। ठीक है, फिर आपके पास जो है इंडिया साउथ अफ्रीका का कॉन्टेस्ट खोल लेना है। जैसे कि यहाँ पर सारे मैच आ गए, मैं आपको एक बार इंडिया साउथ अफ्रीका वाला ही दिखा देता हूँ। ये रहा इंडिया साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टोटल रिवॉर्ड पूल आप देख सकते हो, 1,25,000 डॉलर है, जिसको आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का प्राइस पूल है, और कॉन्टेस्ट की एंट्री एकदम फ्री है। यहाँ पर दोस्तों ये 3-4 तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपके सारे कार्ड यहाँ पर दिखा देगा जो कि इस मैच में आप यूज कर सकते हो। तो मतलब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के जितने भी कार्ड मेरे पास पड़े हैं वो सारे मेरे को दिखा दिए, इनको मैं इस मैच में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आपको कॉन्टेस्ट दिख रहे हैं ना, इनमें अलग अलग शर्त है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ब्रॉन्ज कार्ड निकलेगा, सिल्वर कार्ड निकलेगा। इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 ब्रॉन्ज कार्ड होने चाहिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 सिल्वर कार्ड होने चाहिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 गोल्ड होना चाहिए, और इसके पास आपके पास 1 ब्लैक, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास अभी 2 सिल्वर कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर बाई कार्ड टू अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि मेरे को खरीदने पड़ेंगे और मैं खरीदूंगा। ठीक है, धीरे धीरे। अब बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज कार्ड की, तो वो मेरे पास पड़े हैं। आपको क्या करना है कि एंटर फॉर फ्री पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जीतेंगे कैसे। देखो यहाँ पर जीतना काफी आसान है, क्योंकि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो 1683 टीम ने इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया है। ठीक है, और प्राइस पूल अगर आप देखोगे तो आप देखोगे भाई लगभग 6,000 लोगों को कम से कम भी $5 तो इस कॉन्टेस्ट में मिलने ही वाले हैं। मतलब कि 6,000 लोग जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक तो 100% विनिंग है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जीतना काफी आसान है। जस्ट इन केस मान लो कि आप टॉप रैंक में आ जाते हो, तो $12,500 आपको मिलेंगे, जिसका मतलब हो गया लगभग 10 लाख रुपए से भी ज्यादा, और यहाँ पर दोस्तों जीत सकते हो। ठीक है, अब जीतना कैसा है, एंटर फॉर फ्री पे क्लिक करो, आपके सामने सारे कार्ड आ जाएंगे, उनसे बस 3 प्लेयर की आपको टीम बनानी है। जैसे कि 3 प्लेयर कोई भी रेंडमली मैं आपके लिए एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 3 प्लेयर हो गए, यहाँ पर आपको क्लिक करने करके इन तीनों में से कोई एक कैप्टन बनाना है, और बस बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ आराम से अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, और एकदम फ्री है, कोई भी दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास कोई कार्ड की कमी पड़ गई, आपको एक कार्ड खरीदना है, तो आप या तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, या फिर आप डायरेक्ट अपने रेडियो पे जाके, ये मार्केट प्लेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस में दोस्तों आपको लगभग सारे कार्ड मिल जाएंगे जो कि आप खरीद सकते हो। जैसे कि ट्रिस्टन स्टब्स है, इसका सिल्वर कार्ड मेरे को मिल रहा है $60 में, आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। आपको अगर प्राइस के हिसाब से जाना है तो यहाँ पर शॉर्ट बाय में क्लिक करो, प्राइस लो टू हाई पे क्लिक करो,
और सारे आपके पास जो कार्ड आ जाएंगे सस्ते से सस्ते, है ना। अगर आपको थोड़ा सा इनको फिल्टर करना है तो ये नेशनलिटी करो, जैसे कि मान लो कि मेरे को इंडिया का कार्ड चाहिए तो इंडिया पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सारे इंडिया के कार्ड आ गए, ठीक है। आपको अगर टायर में जाना है तो आप देख लो, ब्लैक कार्ड आपको चाहिए, ब्रॉन्ज कार्ड आपको चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, ठीक है। तो वो सारे आपके फिल्टर हो के आते जाते हैं और फिर आप यहाँ पर खरीद सकते हो और इनका उपयोग आप कर सकते हो अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मान लो आपको अपना कोई कार्ड बेचना है तो आप बेच भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि उनसे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और खेलो, आप चाहो तो बेच सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर लियम लिविंगस्टन के दो कार्ड है, एक सिल्वर है एक ब्रॉन्ज है। हालांकि मैं बेचूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बेचना कैसे, क्योंकि भाई मेरे को अपने कार्ड बहुत प्यारे हैं और मैं तो भरने वाला हूँ इस गैलरी को, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको बेचना है लियम लिविंगस्टन का सिल्वर कार्ड बेचना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर सेल ऑन मार्केट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपनी प्राइस सेट करनी है कि कितने में आपको बेचना है, $5 $10 जितने भी आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि यार मेरे को पता है भाई लियम लिविंगस्टन जो है बहुत सारे खेलेगा, अभी ये वाली लीग खेलेगा, उसके अलावा ये D100 भी खेलता है, उसके अलावा ये IPL भी खेलेगा, मतलब कि पूरे साल में बहुत क्रिकेट खेलता है और पूरे साल में जितना भी ये क्रिकेट खेलेगा हर एक मैच में मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो बेचने का अभी मेरे को कोई फायदा दिख नहीं रहा, बाद में दिखेगा, बाद में बेच दूंगा, अभी मेरे पास पड़े हैं, फ्री के कॉन्टेस्ट है, मैं ज्वाइन करूंगा और अच्छे से यहाँ पे पैसे जीत सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि यार आपको पूरा जो वॉक थ्रू है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको फटाफट से साइन अप करना है, मैंने आपको बता दिया, इसकी जो साइन अप लिंक है वो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। उसके बाद आना है आपको पैक्स पे क्लिक करना है, पैक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास सारे पैक आ जाएंगे, इंडिया साउथ अफ्रीका के आ जाएंगे, और जैसे जैसे यहाँ पर मैच आते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर पैक भी आते रहते हैं जिनमें आप प्लेयर के कार्ड खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको ब्रॉन्ज कार्ड चाहिए ये वाला खरीद लेना, सिल्वर कार्ड चाहिए ये वाला खरीद लेना, अगर आपको गोल्ड कार्ड चाहिए तो ये वाला खरीद लेना, और ब्लैक कार्ड चाहिए तो ये वाला, ये वाला तो फिर क्लोज हो चुका है क्योंकि यार डिमांड ज्यादा है, लोग तुरंत खरीद जाते हैं, ठीक है। अब जरूरी है दोस्तों ये वाला आप खरीदोगे तो इसमें सारे के सारे गोल्ड कार्ड निकलेंगे, इसमें गोल्ड भी निकलेगा सिल्वर भी निकलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, मिक्स कार्ड निकलते हैं, बाकी हाँ निकलेगा आपके पास कार्ड, ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, या तो आप कॉन्टेस्ट ऑन कर सकते हो या फिर आप उनको बेच सकते हो, ठीक है। तो ठीक है यार, अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो मेरे को बता देना, है ना, मैं आपका जवाब दे दूंगा, और फटाफट से साइन अप करो यार, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है।